इकबाल सर, बात इसके बहुत हो गई इस गलती फूल के से। बारे में, इसकी मॉर्फोलॉजी बताइए, क्या है ये? मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले तो जो कोई भी फ्लावर है, एनिमल है, प्लांट है, उसकी एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी कर लेंगे हम लोग, है ना। जैसे एक्सटर्नल फीचर्स अगर हम फ्लावर्स को जाएँ तो फ्लावर में जो मेन पार्ट होते हैं वो फोर फोल्ड होते हैं, मतलब फोर एक तरह से हम कह सकते हैं फोर पार्ट्स फ्लावर में। जैसे सबसे बाहर का पार्ट आप ग्रीन देख रहे हैं, तो ये जो ग्रीन पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम साइंटिफिकली बायोलॉजिकली टर्म देते हैं कैलिक्स। कैलिक्स कैलिक्स जनरल कॉमनली जो कॉमन वर्ड है उसके लिए सेपल्स बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो तरह के सेपल्स हैं, ठीक है। एक आप ये देख रहे हैं, ये कुछ छोटे छोटे से हैं, ये स्मॉल, ये कुछ एक्सटर्नल सेपल्स हैं जो सबसे सेपल्स के बाहर भी सेपल्स हैं, अच्छा, ठीक है। तब उनको एपी कैलिक्स बोलते हैं, जो बाहर वाले हैं एपी कैलिक्स। और ये जो है ये वास्तव में आपके कैलिक्स हैं, ये इसमें केवल गुड़हल के फ्लावर में ही है ऐसी कंडीशन की दो तरह के सेपल्स हैं यहाँ पर, बाहर एपिकैलिक्स और इसके अबव जस्ट कैलिक्स। अब इसके ये रेड वाला पोर्शन, इसको अब क्या ये रेड बोलते वाला हैं जो पोर्शन है ये क्या पेटल्स बोलते हैं? पेटल्स पेटल्स। तो इनमें सारी चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं टैक्सोनॉमी के, अगर बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी के बेस पर हम बात करें, क्लासिफिकेशन के बेस पर, तो इनके नंबर क्या है, इनका कलर क्या है, इनका शेप क्या है। शेप, कलर, नंबर, दीज ऑल थिंग्स हैव टू बी रिमेम्बर, हैव टू बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी ऑफ ए फ्लावर, राइट। तो ये नंबर जैसे आपके यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 पेटल्स, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, 5 से कभी कभी ऐसा ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाती है कि 5 से ज्यादा भी हो जाते हैं। कॉमन जनरली कितने होते हैं? जनरली 5 मिनिमम रहते ही हैं, मिनिमम 5 ही रहेंगे, 5 से 7 तक पहुंच जाते हैं। 4 नहीं होते? 4 तो नहीं होते हैं ज्यादातर केसेस में, 4 तो नहीं होते। ये क्या निकला हुआ, ये इसको क्या ठीक है। अब देखिए ये चीज आपकी हो गई। अब फिर इसमें जैसे किनारे जो होते हैं इनके पेटल, देखिए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है ये, है ना। इनको भी कुछ टर्म्स देते हैं बायोलॉजी में, तो हालांकि ज्यादा डीपली यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ मैं। तो एक तरह से ध्यान रखना है कि क्या क्या टर्म्स हम देते हैं इसके अरेंजमेंट में। तो ये अरेंजमेंट है फ्लावर्स में, पेटल्स का अरेंजमेंट क्या है, है ना। तो अरेंजमेंट के लिए हम एस्टिवेशन बोलते हैं, क्या एस्टिवेशन है। तो एस्टिवेशन आपके 5 टाइप्स के होते हैं, तो उसमें से एक ये टाइप जो है यहाँ पर वो आपका है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एक तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये इसका इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, ये जो नेक्स्ट है नीचे, ये इसका फीमेल पार्ट है, ये नीचे वाला, ठीक है। ये ओवरी है नीचे इसके, इसको हम निकालें तो ये ओवरी हो जाएगी, ये ओवरी वाला पार्ट है, ठीक। और ये आपके स्टेमन है पूरे जो येलो कलर के हैं, तो स्टेमन इसी के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर एक ट्यूब होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से पूरा बोलेंगे स्टाइल, पूरा स्टाइल होगा, ठीक है। और ये आपके स्टिग्मा पार्ट है, ये वाले स्टिग्मा, ये 5 ही होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 स्टिग्मा होते हैं, हाँ। ये स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, सबसे अबव पार्ट स्टिग्मा बोलते हैं, ये 5 ही होते हैं। ये जो है ये स्टेमेंस के नंबर बहुत ज़्यादा होती है, इनडेफिनिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेमेंस के नंबर बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ से जो स्टेमेन में जो मेल पार्ट को शो करते हैं स्टेमेन, यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस हम बोलते हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, ठीक। ये पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन जरूरी है प्लांट्स को उनकी वैरायटी को डिस्पर्स करने के लिए, उनमें रिप्रोडक्शन कराने के लिए। तो इसके अंदर भी अगर हम इसको देखें तो ये पूरी आपकी एक पूरा इसके अंदर एक ट्यूब होती है, ठीक है। ये वाइट कलर की देखिए, ये ट्यूब है इसके अंदर, दिख रही है ना, ये वाले, इसी से होकर पॉलन ट्यूब जाती है इसके अंदर, ठीक। ये है ये इस पे लगी होती है, ये टूट गई यहाँ से, ये इसके ऊपर ये लगे रहते हैं, ये वाले इसके ऊपर, इसके ऊपर ये आएगी निकल के, ये देखिए पूरी ट्यूब है, ठीक है। फीमेल पार्ट पूरा आ जाएगा ये इसका निकल के, ये ठीक। तो ये फ्लावर के बारे में है पूरा, बढ़िया मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर।
पूरा डिसेक्शन डिसेक्टेड फ्लावर होगा, ठीक है।